अभी हम बैठे हैं यहाँ पर विधायक जी के आवास पर और यह हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक अपार हर्ष का समाचार लेकर आज मैं आया हूँ आपके सामने। रामगढ़वा में चिर प्रतीक्षित सड़क निर्माण की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और यह प्रक्रिया पूरी होने में किस तरह की दिक्कतें आई और किस तरह का प्रयास करना पड़ा, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे माननीय विधायक श्री रामचंद्र सहनी जी से। रामगढ़वा में पीपरपाती पुल सिकराना को बना हुआ है, जी परंतु अप्रोच रोड है। रामगढ़वा से पीपरपाती का नहीं बना था और वो अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण रक्सौल से आने वाले लोग उस पुल से होकर जो बेतिया जाते हैं वो रास्ता अभी तक चालू नहीं हो सका। तो ये आवश्यक था कि उस सड़क बने, अप्रोच रोड बने रामगढ़वा से पीपरपाती। तो इसके लिए काफी प्रयास हुआ और उस रामगढ़वा से पीरवाती सड़क को RWD से PWD में स्थानांतरित करवाया गया बहुत प्रयास के बाद, और उस सड़क का स्थानांतरण के बाद सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है। 36,14,97,000 की लागत से वो सड़क बनने जा रही है। और कल मैं मिला था आपके माननीय मंत्री पथ निर्माण आदरणीय नंदकिशोर बाबू से, उन्होंने बताया कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है उस सड़क को और शीघ्र ही उस टेंडर प्रक्रिया पूरी करके सड़क की कार्रवाई बनाने की कार्रवाई की जाएगी। कितना समय का अनुमान लग सकता है, कितना समय लगेगा उस सड़क को पूरा होने में, सर कुछ अनुमान है? हाँ, मैंने 2 माह के अंदर में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बाद में सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सिर्फ 2 महीने में वो सौगात हमें मिलने वाली है जिसकी अपेक्षाएं काफी वर्षों से चली आ रही थी, आज वो ख्वाब पूरा होने की स्थिति में है। आइए हम विकास शर्मा जी से बात करते हैं कि इस विषय में जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो सर इस सड़क के बनने से किस किस तरह की सुविधाएं यहाँ के क्षेत्र विशेष के लोगों को मिलेंगी, कुछ प्रकाश डालें। वह जो सड़क है, जो देखा जाए तो 2 जिला को जोड़ने वाली और उस इलाके के लोगों के लिए लाइफ लाइन है, और वह सड़क बन जाने से काफी, आज तो हम लोग देख रहे हैं, गए थे उधर, काफी खुशी महसूस कर रहे उधर के लोग कि वह हम लोग के लिए एक वरदान साबित हो रहा है जो माननीय विधायक रामचंद्र सोहनी जी के पहल से हुआ। बहुत प्रयास किए इन्होंने, तब जाकर के RWD से पथ निर्माण में वह ट्रांसफर हुआ और सारी प्रक्रिया हो चुकी है। बहुत जल्द वह सड़क निर्माण हो जाएगा और लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिल जाएगी। तो इस सौगात के विषय में आइए हम और भी जो संबंधित लोग हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, जो सड़क का निर्माण जो हो रहा है, सुगौली विधानसभा को छोड़कर बगल में जो हमारा रामगढ़वा प्रखंड पड़ता है, उसके बाद में रक्सौल प्रखंड पड़ता है, अगल बगल के क्षेत्र के जनता को बेतिया जाने की सुविधा हो गई। रक्सौल के लोग और रामगढ़वा क्षेत्र के लोग सीधे रामगढ़वा से होकर के पुल पार करके बेतिया जा सकते हैं। उस क्षेत्र की जनता के लिए यह एक वरदान सिद्ध हुआ है। और यह जो सड़क है कोई आज का मामला तो नहीं है, आजादी के बाद में अगर देखा जाए उस इलाके में, वह इतना पिछड़ा हुआ इलाका है कि किसी ने भी आज तक नजर नहीं दिया, लेकिन माननीय रामचंद्र सहनी जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और मैं देखता हूं कि प्रतिदिन कौन सड़क कहां से कहां तक जाती है इसके विषय में वो चिंतन करते रहते हैं। और पटना से जब कल आए तो उन्होंने ही मुझको बताया कि वो सड़क अब बनने वाली है और क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और वहां की जनता के बीच में इस बात को लेकर के बहुत काफी खुशी हुई है। इस त्वरित कार्रवाई और चीर प्रतीक्षित सौगात के लिए हमारी जनता तैयार है और दोनों बाहें फैलाकर माननीय रामचंद्र सहनी जी का स्वागत करने के लिए क्षेत्र के लोग बेचैन हैं। मैं अभिनव मोतिहारी न्यूज की ओर से।